खास मेहमान है हमारे डॉक्टर भरत सिंह बोस, जो एक वेटनरी ऑफिसर है। उसमें पूरा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे वेटनरी ऑफिसर के बारे में, क्योंकि सभी वेटनरी स्टूडेंटों का सबसे फर्स्ट ड्रीम जॉब होते हैं वेटनरी ऑफिसर, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी XYZ चीजें बताएंगे डॉक्टर भरत सिंह बोस। ये 2011 वाली वैकेंसी थी वेटनरी ऑफिसर की, उसमें जॉब लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी चीजें इनको पता है। और एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया का, वहां से इन्होंने PG इनकी की हुई है, जो करनाल है, जो NDRI है, वहां से इन्होंने इनकी PG की डिग्री की हुई है। जो पशु चिकित्सा अधिकारी का जो पद है वो एक शुरुआती पद है पशुपालन विभाग में, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पेपर का और इंटरव्यू का क्या वेटेज रहता है सब्जेक्टिव बारे नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो फील्ड में, में? उस पर ज्यादा उनका फोकस रहता है। हाँ, लेकिन तो आप जैसे जो अभी बहुत जल्दी इंटरव्यू आने वाले हैं RPSC के, जो हमारे सभी सीनियर्स हैं, आपके जो सभी जूनियर्स हैं, वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी अटकी हुई है, तो उनके बहुत जल्दी इंटरव्यू होने की संभावना है। और मैं यही आशा करता हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी उनकी इंटरव्यू हो, ताकि वैकेंसी क्लियर हो, ताकि हमारे लिए भी कोई संभावना आए आगे की वैकेंसी आने की। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या उनको सजेशन दोगे आपकी तरफ से, आपके जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, क्योंकि हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी का वेट DRTA जी की ओर से। और आज हमारे साथ में खास मेहमान है हमारे डॉक्टर भरत सिंह बोस, जो एक वेटनरी ऑफिसर है। तो साथियों, अपना ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें पूरा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे वेटनरी ऑफिसर के बारे में, क्योंकि सभी वेटनरी स्टूडेंटों का सबसे फर्स्ट ड्रीम जॉब होते हैं वेटनरी ऑफिसर, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी XYZ चीजें बताएंगे डॉक्टर भरत सिंह बोस। ये 2011 वाली वैकेंसी थी वेटनरी ऑफिसर की, उसमें जॉब लगे हुए हैं, तो काफी अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी चीजें इनको पता है। और एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया का, वहां से इन्होंने PG इनकी की हुई है, जो करनाल है, जो NDRI है, वहां से इन्होंने इनकी PG की डिग्री की हुई है। तो बहुत ही एक टैलेंटेड बॉस है अपने, बहुत ही नॉलेजेबल बॉस है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज देंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप के एंड लास्ट तक जरूर देखें। तो बॉस, आप थोड़ा सा अपना बारे में बताओ, थोड़ा सा इंटरव्यू बताओ कि आप कहाँ से हो और कहाँ से अपनी डिग्री किया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ स्टूडेंट। धन्यवाद ताजी भाई, मुझे जो है आपके चैनल पर बुलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा, नमस्कार। तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी का जो पद है वो एक शुरुआती पद है पशुपालन विभाग में, और इस पद के लिए हमें पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन के अंतर्गत स्नातक उपाधि लेनी पड़ती है, और ये उपाधि जो है 5.5 साल की होती है, 5.5 वर्ष का कोर्स है। और नीट के एग्ज़ाम के थ्रू, नीट का जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके ज़रिए हम इसमें एंटर होते हैं। जो स्टूडेंट होता है उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है 10+2 12th करनी पड़ती है, फिर वो नीट के लिए उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, और आपको जो है वेटनरी विश्वविद्यालयों में, वेटनरी विद्यालयों में आपको प्रवेश मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन। तो बॉस ने बता ही दिया कि जैसे अपन को BBSC एंड H में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। पहले आपको मैंने बताया रखा है कि 85% सीटें स्टेट कोटा से भरी जाती है और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। आप सभी को पता है कि हर स्टेट में पहले अपने अलग से एग्जाम होते थे और 15% सीटें नीट से भरी जाती थी, लेकिन साथियों अब लगभग 90% स्टेट है उन सभी में ओनली फॉर नीट के बेसिस पे 100% सीटें भरी जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको बता ही दिया भरत बोस ने, और वैसे मैंने भी इस चीज पे कितने वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन है भरत बोस से कि जो वेटनरी ऑफिसर होता है ये कैसे बनते हैं, अपन जैसे अपन ने डिग्री कर ली तो उसके बाद में अपन कौन सा एग्जाम इसका देना पड़ता है। देखिए, अगर आपने पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में अगर आपने स्नातक उपाधि ले ली है, BBSC एंड AS की जो है
ग्रेजुएशन डिग्री ले ली है, उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्ज़ाम में हमें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद साक्षात्कार, जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो साक्षात्कार तक पहुँचते हैं, साक्षात्कार में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर उनका चयन पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे हो जाता है और पशुपालन विभाग उनको जो है पोस्टिंग दे देता है। तो बॉस इसमें मतलब RPSC एक तो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, सिंगल ही पेपर होता है बॉस इसमें? हाँ, बिल्कुल सिंगल पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू तो उनका वेटेज क्या रहता है, जिसे पेपर का और इंटरव्यू का क्या वेटेज रहता है? इंटरव्यू का वेटेज बताओ, जैसे आपके टाइम क्या वेटेज था? हमारे टाइम जो है संपूर्ण वेटेज ही इंटरव्यू का था, मतलब जो थ्योरी पेपर होता था आपका, जो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता था उसका कोई वेटेज नहीं, उसका कोई वेटेज नहीं था, उसका सिर्फ एक क्वालिफाई करने का एक जरिया था कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, बस इतना ही था कि आप बस एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं, बिल्कुल। फिर इंटरव्यू में जो है आपके जो है अकेडमिक्स के मार्क्स थे, इंटरव्यू में आपके कोर्स से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, है ना। दूसरा आपका जो है, अगर आपने PG की हुई है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके जो आपको डीप नॉलेज है कि नहीं है, गहरी जानकारी है कि नहीं है आपके विषय की, तो विषय का जो है गहरा अनुभव और जानकारी होना जरूरी है। दूसरा जो है फील्ड वेट को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, वो अपने क्षेत्र में अगर बीमारियों का प्रकोप रहा उनको कैसे दूर करेगा, उनका प्रिवेंशन कैसे करेगा, उनका कंट्रोल कैसे करेगा, तो इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे इंटरव्यू में बॉस कितने पर्सन बैठते हैं, जैसे इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पे? इंटरव्यू में जो है जो साक्षात्कार बोर्ड होता है उसमें एक तो RPSC मेंबर होते हैं, स्टेट की बात कर रहा हूँ, अपने स्टेट जो है RPSC मेंबर होते हैं, और उसके बाद 3 या 4 एक्सपर्ट होते हैं, 3 या 4 जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं और जैसे फील्ड वगैरह के भी कुछ पूछ सकते हैं, XYZ वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो अपने अपने जो जिस फील्ड का वो स्पेशलिस्ट होगा उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो वो पहले तो आपसे पूछेंगे आपने पीजी किससे की है या आपको अनुभव जो है किस सेक्टर में है, उस हिसाब से क्वेश्चन उठाएंगे आपसे कि जिस चीज में इनका इंटरेस्ट है, या आप कोई अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया से आते हो, आप किसी जोन से आते हो तो उस जोन के पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में वो पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या है इस एरिया में, वहाँ पशुपालन में क्या चैलेंज है, डेवलपमेंट क्या क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर, उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो मतलब एक अधिकांश मतलब वो नॉलेजेबल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कॉमन सेंस, बिल्कुल, जैसे बंदे में कॉमन सेंस कितना है, कि कितना इसका IQ लेवल कितना है, उस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पे ज्यादा, बिल्कुल, फिर मतलब उनको ज्यादा संभावना दी जाती है उन क्वेश्चनों को, ठीक है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत मतलब मेरे हिसाब से कम पूछे जाते हैं वहाँ पे ना, नहीं सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं लेकिन मतलब बंदे की नॉलेज थोड़े उस हिसाब से चेक ज्यादा की जाती है कि भाई वो आगे जो जिस पद पर कार्य करने वाला है उस पद को वो सही तरीके से निभा पाएगा, जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज को सही तरीके से निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, तो उसका कॉमन सेंस देखा जाता है, उसका IQ देखा जाता है, ठीक है ना, उसके नॉलेज टेस्ट की जाती है। मतलब उनका इम्पोर्टेंट मुद्दा यही होता है कि ये बंदा इस पद के लिए लायक है या नहीं है, या नहीं है, मतलब इस ये पद अगर इस बंदे को अपन दे रहे हैं तो ये है कि नहीं, मतलब ये कल जाके इस फील्ड में कुछ सुधार लाएगा या इस फील्ड को नीचे लेके जाएगा, बिल्कुल, ये उनका इम्पोर्टेंट फोकस होता है, बिल्कुल, ठीक है। वो इसीलिए वो मतलब जैसे कुछ नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछते हैं, सब्जेक्ट तो पूछेंगे वो, क्योंकि सब्जेक्ट अपना है ही, तो वो तो पूछेंगे, वो तो उनका इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट की नॉलेज को 5 साल अपन पढ़े तो वो तो पूछेंगे, सब्जेक्ट की नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो फील्ड में,
उस पर ज्यादा उनका फोकस रहता है। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में अपन को बाहर का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। तो आप जैसे जो अभी बहुत जल्दी इंटरव्यू आने वाले हैं आरपीएससी के, जो हमारे सभी सीनियर्स हैं, आपके जो सभी जूनियर्स हैं, वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी अटकी हुई है, तो उनके बहुत जल्दी इंटरव्यू होने की संभावना है। और मैं यही आशा करता हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी उनके इंटरव्यू हो ताकि वैकेंसी क्लियर हो, ताकि हमारे लिए भी कोई संभावना है आगे की वैकेंसी आने की। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या उनको सजेशन दोगे आपकी तरफ से, आपके जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, क्योंकि आप तो एक एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपने खुद ने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे कि वो जैसे सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, सब्जेक्ट का उनके पास नॉलेज है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा जो है हम उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें फील्ड में, तो वो ध्यान रखें कि अगर आप कहीं अनुभव आपके पास अनुभव है किसी सेक्टर का, वो पूछें आपसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, या आपने क्या किया है, ठीक है, तो आपकी उपलब्धि क्या रही है, तो उस सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो जिस सेक्टर में आपने काम किया है उसका अनुभव और उसके बारे में आपको गहरा ज्ञान होना जरूरी है। गहरा ज्ञान होना, हाँ, वो उसमें से पूछ सकते हैं कुछ भी। आप जिस एरिया से आते हो, जिस जोन से आते हो या जिस जिले से आते हो, उसके बारे में, उस वहाँ के पशुधन के बारे में, ठीक है, वहाँ की एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है आप पशुपालन व्यवसाय को किस दृष्टि से देखते हो और भविष्य में क्या संभावनाएं व्यक्त करते हो, आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हो तो किस तरह से करना चाहते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट यही है कि आप सब्जेक्ट की तैयारी तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है 50% कि आपको जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप अगर कहीं पीजी कर रहे हो या फील्ड में काम कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आपको उतनी नॉलेज होना जरूरी है जितने आपको सब्जेक्ट के अध्ययन कर ले, ताकि आपको, और एक मतलब आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, जैसे किसानों के प्रति जो भी वो पॉजिटिव माइंड जरूरी है, क्योंकि वो उसी चीज को चेक करेंगे। मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक विचारधारा के साथ अपने सकारात्मक विचार दे, सकारात्मक उत्तर दे, क्योंकि अपन जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके प्रति वो यही चेक करेंगे मेरे हिसाब से कि आपका पॉजिटिव माइंड कितना है उस फील्ड में, जो आपको जॉब देंगे, जो पद देंगे, उसके प्रति आपका पॉजिटिव माइंड कितना है, आप कितने ईमानदारी से काम करोगे और कितना आगे आप फील्ड को ले जाना चाहते हो। बिल्कुल सही बात है। तो बॉस, आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा वहाँ पे, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन बताओ जो भी आपको याद हो। जैसे कि इंटरव्यू के दौरान अभी मुझे ज्यादा याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आप जैसे आप फर्स्ट तो इंटरव्यू में गए, ठीक है, तो थोड़ा सा वैसे भी बता दो इंटरव्यू में जाने जाए। हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा उसका अलग टॉपिक, अलग आपके पास वीडियो बन सकता है, लेकिन इंटरव्यू का दे दे मैं कि इंटरव्यू में जाए तो आप ध्यान रखें कि आपके पास साफ सुथरे कपड़े, आप साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाए, ठीक है, नहा धोकर जाए, सज धज कर अपना अच्छे से, और जो है आप एक फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं। पॉजिटिव, और जैसे आप वहां प्रवेश करें, एंटर करें, तो बैठने की अनुमति जरूर लें। जब आपको बैठने की अनुमति मिल जाए तो आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उनका जवाब आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ दें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसे नीचे गर्दन करके कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपना बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में उनके आंख से आंख मिला के बिल्कुल आंसर देना और चाहिए अपन को, आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ उनका जवाब दें, पॉजिटिव वे में जवाब दें, ठीक है, नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाए और आप डिप्रेस ना हो। और मान लो कई बार हम जो है डिप्रेस हो जाता है, हिचक जाते हैं जवाब देने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेहिचक जो है, जो भी प्रश्न पूछे जाए उनके बेहिचक अगर आपको उत्तर आते हैं, सही उत्तर आते हैं, तो उनका जवाब दें, नहीं आते हैं तो आप जो है माफी मांग सकते हैं। लेकिन ये जो चार महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं 1-4, इन सभी के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाएं और देखें।